हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निंग हैबिट। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे डिफरेंट वेज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहता हूँ आपके सामने, ताकि आप उन प्रोजेक्ट्स में जाके अप्लाई कर सको और ट्राई का कर सको ऑनलाइन अर्निंग के लिए। सो वैसे ही टाइप के एक प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उसका पे आउट क्या है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है वन फॉर्मा। सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एवलॉन ऐप ग्रेडिंग। यहाँ पे अभी हाईलाइट होके आ रहा होगा, इन्होंने ये पब्लिश किया था 28th of April को। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है 30th of June तक। नंबर ऑफ ओपनिंग्स है 50। लैंग्वेज आपको हिंदी आना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का ये प्रोजेक्ट है। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन वेलकम टू वन फार्मा एवलॉन म्यूजिक सर्टिफिकेशन कुछ रिक्वायरमेंट है, जो कि इनका यहाँ पे सर्टिफिकेशन सर्वेज इस ऑप्शन में रहता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट आपको आगे प्रोसेस किया जाएगा तो आप उसको ट्राई करना। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, मैं पे आउट नीचे बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन करके रखा है। यहाँ पे जो भी म्यूजिक से रिलेटेड क्यूरीज आते हैं उनको आपको रेटिंग करना है और ग्रेडिंग प्रोवाइड करना है। जो भी रहेगा, ये लोग जब डिटेल डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा एवरीथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू डू। जैसे कि आपको गूगल, बिंग, यूट्यूब, ये सब का हेल्प लेना है, ऐसे करके ये लोग सब कुछ बता देंगे। कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी रहेंगे आपको आप समझ के लिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया बेस्ड है। इसकी पे आउट की बात करते हैं, इसका जो पे आउट है इसका काफ़ी अच्छा पे आउट है। मैं तो कहूँगा $6.25 USD per hour, मतलब कि एक घंटे का 6.25, 18 x 6 कैलकुलेट कर लो, आपको $1 का 80 rupees होता है। तो कितना आप 1 hour में काम करके कमा सकते हैं, और उसके बाद मिनिमम आपको 15 से 20 घंटे हर वीक में देने हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैसा वर्क रहता है नहीं रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट है कि आप इंडिया में रहने चाहिए लास्ट 1 year से, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप इंडिया में ही होंगे एज्यूम करके। सो मेक श्योर करो कि आप जाओ इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करो। मैं अभी अप्लाई पे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इनका क्वालिफिकेशन वगैरह। लेकिन आप ट्राई आउट करना, मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पहले ट्राई आउट करके काम कर रखा है, इसलिए मुझे पता रहता है ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन पे आउट इसमें डेफिनेटली होता है। बहुत लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि ये जेन्यून है कि नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से गारंटी लेता हूँ कि हाँ, ये सब के जो भी मैं प्रोजेक्ट शो करता हूँ, जो भी मैं अपने चैनल पर जो भी प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट शो करता हूँ, वो सब जेन्यून रहते हैं, वो सब पे आउट करते हैं। बस यही रहता है कि उनमें उनका थोड़ा सा क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं रहता है, लेकिन ट्रिकी रहता है। उनके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के समझ के क्वालिफिकेशन को क्लियर करना पड़ता है। बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते नहीं है और अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को क्लियर करने के लिए, इसलिए हो नहीं पाता है। मेक श्योर करो कि आप डॉक्यूमेंट को पढ़ो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेक श्योर करो कि कॉमेंट में मुझसे पूछो या मुझे मेल करो, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके फ्रेंड्स, देन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।